पूरे इंडिया भर में एक बहुत कॉमन ड्रिंक पिया जाता है, उसको बोलते हैं छाछ। कुछ जगह इसको मट्ठा भी बोलते हैं और कुछ जगह इसको बटर मिल्क भी बोलते हैं, साउथ इंडियन में बटर मिल्क बोलते हैं। और ये बहुत हेल्दी फूड माना जाता है। हेल्दी क्यों? ऐसे तो देखिए, दूध के हम लोग ऑपोजिशन में हैं क्योंकि दूध में फैट होता है, पर दूध का सारा फैट निकाला जा सकता है। दूध में एक सबसे ब्यूटी है कि दूध को आप दही बना लो और दही बना के उसको चर्न करते रहो और उसके अंदर का उसको घोटते रहो और उसके ऊपर जो जो फैट आता है उसको निकालते जाओ, तो वो स्किम्ड मिल्क बन जाता है। और दूध से भी स्किम्ड मिल्क बन सकते हैं, या तो आप दही बना के उसका सारा फैट निकालते जाइए और जब वो बाकी का जो रह जाता है उसको छाछ बोलते हैं। ये हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब जगह पिया जाता है। और साउथ इंडिया में इसको छाछ बनाने का तरीका अलग करके रखा हुआ है। उन लोग पानी लेते हैं, 2 चम्मच दही डाल देते हैं, मिला लेते हैं, बोला छाछ बन गया। इसको बटर मिल्क बोलते हैं लोग। तो छाछ का फ़ायदा क्या क्या है? पहले तो ये डाइजेशन में बड़ा मदद करता है। स्टोमक में कोई भी इरिटेशन हो तो छाछ से ये इरिटेशन ठीक होता है। तो और यूजुअली ये बोला जाता है खाना खाने के बाद इस छाछ को लेना चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो। रात को थोड़ा बहुत लोग कोई अवॉइड करना चाहें तो अलग बात है, बट खाने के बाद ये लेंगे तो हाजमा में भी मदद करता है। छाछ में बहुत लो फैट होता है इसलिए ये डाइजेस्टिबल ज़्यादा होता है। इनफैक्ट जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध नहीं जमता है, उनको भी ये फायदा करता है, तो छाछ लिया जा सकता है। छाछ में सबसे बढ़िया बात है इसमें कैल्शियम अच्छी अमाउंट में पहुंच जाती है, तो वो जिनको भी हड्डी मजबूत करना है वो छाछ ले सकते हैं। लोग बोलते हैं हार्ट के पेशेंट को कितना छाछ अलाउड है, तो हम लोग बोलते हैं 500 ग्राम तक छाछ आराम से ले सकते हैं। 500 ग्राम मतलब 2 ग्लास भर के आप छाछ ले सकते हैं। एक और अच्छी चीज़, हाँ, विंटर में आप छाछ लें या नहीं लें, देखिए ऐसे तो जिसको जुकाम खांसी नहीं है वो भी ले सकता है आराम से। छाछ को जीरा के संग, भुना हुआ जीरा के संग लेने का बड़ा चलन है, और उसमें जीरे का भी फायदा होता है और छाछ का भी फायदा होता है, तो वो आप छाछ को जीरे के संग ले सकते हैं। छाछ किडनी प्रॉब्लम के लिए भी फायदा करता है, और सबसे बड़ा हाइड्रेशन में बहुत मदद करता है। मतलब आप पानी के जगह छाछ 2-3 ग्लास पी लीजिए तो अच्छा है। अगर हार्ट के मरीज नहीं है तो आप छाछ तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो छाछ इज़ वेरी यूजफुल। आप इसको मट्ठे को लीजिए, मसाले के साथ लीजिए। छाछ को बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, पहले दही बनाइए। दही को आजकल चर्न करने के लिए मशीन होता है, चर्न करते जाइए और उसका ऊपर से मलाई निकालते जाइए, और जो बाकी रह गया वो हो गया छाछ। तो ये छाछ आप ज़रूर यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास चर्न करने की मशीन नहीं है तो बेस्ट है, थोड़ा सा दही लीजिए, उसको पानी में घोल के बटर मिल्क जो साउथ इंडिया में खाया जाता है वो ले सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है। आप इस छाछ के बारे में लोगों को बताइए। कभी भी लूज मोशन वगैरह हो तो छाछ का पानी काफ़ी फायदेमंद है, तो आप ज़रूर छाछ को ले सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों से शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट के बारे में कभी भी कोई ऑपरेशन की कोई ख्याल रखें, या बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी हो चुका है, उनको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं खान पीन रहन सहन बदल के, और हमारे साउल सेंटर इंडिया के 96 लोकेशंस में है। तो आप इसके बारे में भी लोगों को बताइए। हमारे हार्ट के ऊपर बड़े सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, उनको ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।